हेलो दोस्तों, मैं हूं शगर और आप देख रहे हो टेक फॉर यू यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, अगर आप आईपीएल लाइव स्कोर अपना वेबसाइट के ऊपर दिखाना चाहते हो तो इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं आप कैसे कुछ इस तरीके का लाइव स्कोर अपना वेबसाइट के ऊपर दिखा सकते हो, वो भी बहुत ही आसानी के साथ। मैं फर्स्ट दिखाने वाला हूँ ब्लॉगर के ऊपर, नेक्स्ट हम दिखाएंगे कैसे आप वर्डप्रेस में कुछ इस तरीके का लाइव आईपीएल लाइव स्कोर अपना वेबसाइट के ऊपर दिखा सकते। सो विदाउट फर्दर वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दोस्तों, आईपीएल लाइव स्कोर कुछ इस तरीके का लाइव स्कोर अपना वेबसाइट के ऊपर दिखाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको विजिट करना पड़ेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक मिलेगा, वहां से इस वेबसाइट पे विजिट करना है। सो यहां पे दो टाइप का विजेट्स मिलता है। सो यहां पे एक विजेट है और ए वाला है। सो कोई भी एक विजेट आप अपना वेबसाइट पे लगा सकते हो। अब हम दिखाएंगे फर्स्ट ब्लॉगर पे कैसे आप इसको एम्बेड कर सकते हो। सो यहां से कॉपी कर लेना है इस कोड को, कॉपी करके ब्लॉगर डैशबोर्ड पे लॉगिन हो लेना है। सो ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट में मैं साइड बार पे एक बार लगाने वाला हूं इस विजेट को। पहले तो साइड बार में आईपीएल लाइव स्कोर लगा के दिखा देते हैं इस वेबसाइट को। ब्लॉगर पे लॉगिन हो लेंगे, होने के बाद लेआउट सेक्शन पे आ जाना है। लेआउट सेक्शन पे आने के बाद साइड बार करके रहेगा यहाँ पे, सो एड ए गैजेट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद HTML एंड JavaScript पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो कोड हमने कॉपी किए थे उसको पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे लिख देंगे IPL लाइव स्कोर। ओके, उसके बाद क्लिक ऑन सेव। अब वेबसाइट को रिफ्रेश करके देख लेते हैं लाइव स्कोर आया है या नहीं है। सो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे आईपीएल लाइव स्कोर आ रहा है, यहाँ पे कंप्लीट मैचेस वगैरह दिखना स्टार्ट हो गया है। तो ऐसे करके आप मैचेस भी देख सकते हो, लाइव स्कोर भी यहाँ से मिल जाएगा एंड अपकमिंग मैचेस भी यहाँ से ही मिल जाएगा। सो ऐसे बहुत ही आसान तरीके में ब्लॉगर में आप इस कोड को एम्बेड कर सकते हो। सेकेंड जो कोड दिया है, इस कोड को भी आप एम्बेड कर सकते हो। अगर आप फुटर या हेडर में एम्बेड करना चाहते हो तो इस कोड को यूज करना ही सही होगा। इसको कॉपी करते हैं, एक बार एम्बेड करके दिखा देते हैं। कॉपी कर लिए कोड को, अब हम लोग इस कोड को कहां पे एम्बेड करेंगे या हेडर पे एम्बेड करके दिखा देते हैं। तो एड ए गैजेट पे क्लिक करेंगे, फिर से HTML JavaScript पे क्लिक करेंगे, उसके बाद कोड को पेस्ट करेंगे, IPL लाइव स्कोर यहां पे लिख देते हैं। ओके, उसके बाद सेव कर देते हैं। सो ये वाला सेव होने के बाद हेडर पे दिखने लगेगा। जैसे कि हेडर पे अभी ऐसे बैनर दिख रहा है, सो इसको रिफ्रेश करेंगे तो वो वाला मतलब आईपीएल लाइव स्कोर हेडर पे भी देखना स्टार्ट हो जाएगा। अब बात करेंगे आप कैसे वर्डप्रेस साइट पे इस कोड को एम्बेड कर सकते हैं। वर्डप्रेस साइट एम्बेड करना बहुत ही आसान है। ये वाला जो साइट है मेरा, ये वर्डप्रेस के ऊपर है। सो हम लोग क्या करेंगे, वर्डप्रेस डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाएंगे। अब लॉगिन होने के बाद हम लोग कहां जाएंगे, हम लोग अपीयरेंस पे आएंगे, उसके बाद यहां पे विजेट्स पे क्लिक करेंगे। विजेट्स पे क्लिक करने के बाद यहां से हम लोग कोड को कॉपी करेंगे, ऐसे करके कॉपी कर लेंगे। ये ऑलरेडी शो हो रहा है क्योंकि मैंने पहले से ही लगा लिए थे। तो इसको कहां लगाए थे, साइड बार राइट पे लगाए थे। तो साइड बार राइट पे लगाए थे, ये वाला कोड था। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, कैसे लगाए ये वाला, ये जो कस्टम HTML है इसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये जो साइड बार राइट है इस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद एड विजेट पे क्लिक करेंगे। एड विजेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे टाइटल दे देंगे IPL लाइव स्कोर। ओके, उसके बाद सेव पे क्लिक करेंगे। अब इसको डन पे क्लिक करेंगे। अब इस वेबसाइट को रिफ्रेश कर लेते हैं। पहले से ये था, सो जैसे कि पहले जो कोड मैंने ऐड किया था
वो ए वाला था और सेकंड जो कोड ऐड किया वो है ए वाला कोड भी। सो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे ऐड हो चुका है। एक ही कोड यूज करिए, जस्ट डेमो पर्पस के लिए मैंने इसको लगा के दिखाया कैसे। सो मैं एक ही मतलब कोड यूज करने वाला हूँ। सो एक कोड को रिमूव कर देते हैं, यहाँ से आएंगे डिलीट पे क्लिक करेंगे और डायरेक्टली ये कोड रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे भी आप फुटर पे लगा सकते हैं उस कोड को, अपना मर्जी के हिसाब से आप इस कोड को यूज कर सकते हो। आई होप के ये छोटा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा है। अगर हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड टेक फॉर यू चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।